खुद नोटिस केस जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच से 4 जजेस अलग हो गए। जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी केस की समाअत से माजरत कर ली। पीडीएम इत्तेहाद ने जस्टिस एजाज उल हसन और मुजाहिर अली अकबर के बेंच में शामिल होने पर एतराज उठाया था। अगर गवर्नर ने तारीख देनी है तो वो किसी से मशवरा करेगा, ये चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। गवर्नर इलेक्शन तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मशवरा करेगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं। 13 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया, इलेक्शन कमीशन 90 दिन से पहले का शेड्यूल भी दे सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, क्या तारीख देने के बाद किसी सूरत हाल में भी इलेक्शन तारीख तब्दील हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। 2008 में इंतखाबात की तारीख आगे गई थी, अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह बताया गया, वो तो एक कौमी सानहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, अगर आज की इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो 90 दिन की हद पर अमल नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह अदालत को बताया गया, आप ये कह रहे हैं कि तारीख तो दें फिर होगा या नहीं, ये बाद में देखी जाएगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया, अगर गवर्नर ने तारीख देनी है तो वो किसी से मशवरा करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया, गवर्नर इलेक्शन तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मशवरा करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से यह रिमार्क्स दिए गए। आर्टिकल 218, 219 और 222 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की जिम्मेदारी देते हैं, अली जफर की जानिब से यह कहा गया।